भारत जोड़ो यात्रा से सामने आया राहुल का बुलेट अंदाज काफी वायरल हो रहा है। लोग राहुल के इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के मन में एक सवाल भी है, और वो कि आखिरकार इस बुलेट की एंट्री इस यात्रा में कैसे हुई, और इसके पीछे जो लकड़ी का बैट दिख रहा है वो क्यों है और किसके लिए। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये बुलेट ग्वालियर के रहने वाले रजत पारासर की है। रजत पेशे से एक इंजीनियर हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने जॉब को अलविदा कह दिया है। वे 4 दिन पहले इस यात्रा से जुड़े हैं। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर से बुरहानपुर तक का सफर 21 घंटे में बुलेट से तय किया। इस दौरान रजत के साथ उनके पीछे उनकी बेटी माउल भी थी। मामले में खास बात यह है कि माउल इंसान नहीं बल्कि उनके डॉगी का नाम है, जो राहुल गांधी की यात्रा में पिछले 5 दिन से बुलेट पर रजत के साथ पीछे बैठकर चल रही है। वहीं मामले के वायरल होने के बाद रजत का कहना है, मेरे पास 2 डॉगी हैं। मैं सफर में इसलिए जुड़ा क्योंकि सोच अच्छी है। मैंने राहुल जी से यही कहा कि जानवरों के लिए मध्य प्रदेश में अच्छे अस्पताल नहीं हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी और आश्वस्त किया। इतना ही नहीं, अपनी समस्या बताते हुए रजत ने आगे कहा कि असल में मेरी पीड़ा ये है कि मेरी दूसरी डॉगी को ट्यूमर हो गया था। उसके इलाज के लिए भटका पर कुछ नहीं हुआ। अंततः ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए मुझे तमिलनाडु जाना पड़ा। तब से मेरे मन में टीस है कि लंपी वायरस आया तो हजारों गायों की मौत हो गई। आखिर सरकार ने जानवरों को इतना अलग कैटेगरी में क्यों रख रखा है। वहीं जब रजत के बुलेट पर राहुल गांधी सवार हुए तो सबकी निगाहें राहुल पर टिक गईं। राहुल के अलावा बुलेट के पीछे लगे बैड ने भी लोगों का ध्यान खींचा। असल में ये स्पेशल बैड डॉगी माउल के लिए ही था। इससे पहले वो इसी तरह कश्मीर तक का सफर तय कर चुकी है। राहुल की यात्रा जैसे ही इंदौर पहुंची, वैसे ही रजत ने राहुल को अपनी बुलेट ऑफर की। राहुल ने रजत की ये ऑफर स्वीकार कर ली, जिसके बाद पूरा कांग्रेस हुजूम राहुल के पीछे दौड़ता नजर आया। वहीं जहां रजत ने राहुल को बुलेट ऑफर की, वहीं राहुल ने भी रजत को कंटेनर देने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।